बिहार पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक की एग्जाम में A1 अपना दीजिए और इस चैनल के माध्यम से आप जुड़कर अपने तैयारी को और चार चांद भी कर सकते हो। तो हम लोग चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि बिहार पैरामेडिकल का आपका फॉर्म कब आएगा। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे पीछे कि आपका बिहार पैरामेडिकल के एग्जामिनेशंस के फॉर्म अप्रैल मंथ में आएंगे, मे बी मई में भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि इस महीने के बाद अगला महीने के अंत तक आपका अप्रैल में आ जाए और फॉर्म फिलअप होके एडमिट कार्ड आपका जून में आएगा और जुलाई में आपके एग्जामिनेशंस होते हैं पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के दोनों एक साथ। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, कौन सा बेस्ट कोर्स लिया जाए, कौन सा बेस्ट कोर्स होता है बॉयज के लिए गर्ल्स के लिए, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका मैं आपको नीचे लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना ही बताऊंगा कि किस तरह से तैयारी करनी है। उसके लिए आपको चैनल पे लाइव जुड़े हुए रहना होगा, यानी आपको 7 बजे डेली लाइव क्लासेस चलता है पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक का 7 बजे, और संडे को लाइव चैट सेशंस रहता है जहाँ पे आप अपने कोर्सेज से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड 7 बजे लाइव सेशन में पूछ सकते हो, यानी वो ज्ञान की बात रहती है, ठीक है। तो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे, और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने चाह रहे हैं आपके बुक्स के बारे में बिहार पैरामेडिकल्स के लिए खासकर। सो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, एक एक करके हम लोग सारे बुक्स के बारे में आपका बात करने वाले हैं, आपका प्रिपरेशन टिप स्ट्रेटेजीज, कैसे हम लोग सेल्फ स्टडी करें या आपको किस प्रकार से बेहतरीन तैयारी करनी चाहिए कि आपको अच्छा मार्क्स आए, यानी 250 से लेकर 300 प्लस मार्क्स तक आपको पीआर पैरामेडिकल में, हम लोग पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और एक रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सही और पूरी सटीक जानकारी के लिए आपको किस प्रकार से तैयारी करना है और लाइव क्लासेस के लिए, क्योंकि 7 बजे इवनिंग में हर डे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस चलता है, और टेलीग्राम पर आपको उसका स्केड्यूल कि आज कौन सा सब्जेक्ट होगा आपका, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए, वहां पर आपको हर चीज़ का, आपको मॉक टेस्ट वगैरह सब चीज़ आपको वहां पर जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म कब तक आएगा, ठीक है। तो फॉर्म आपका मई में आ जाएगा और आपका एग्जामिनेशंस जून जुलाई में होने के बहुत संभावना है। अब इसके लिए इतना कम समय बचा हुआ है, ठीक है, तो कैसे तैयारी किया जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा बुक लिया जाए कि बेस्ट तैयारी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि खुद से करना है तैयारी या किसी एक्सपर्ट के अंदर या किसी टीचर्स के अंदर तैयारी करना है, तो दोनों बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि खुद से के लिए तो आपको बुक्स चाहिए, और बहुत सारा बुक्स है। जैसे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपका प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर्स ये देख सकते हो, इसमें 2006 से लेके आपको 20 तक, क्योंकि ये ओल्ड एडिशन है एक साल पुराना, तो अभी लेने जाओगे तो आपको 2006 से लेके इसमें 2021 तक प्रीवियस ईयर जेन्युइन आपको पैरामेडिकल का मिलेगा, ठीक है। इसमें आपका सारा हिंदी में आता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको हमारे से कांटेक्ट करना होगा, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है कि आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है एक गाइड बुक, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आता है, अरिहंत पब्लिकेशन का, ठीक है। इसमें आपका दोनों चीज़ दे रखा है, ठीक है, इसमें आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, और ये एक तरह से शॉर्ट टर्म है, यानी लास्ट का 1-1.5 महीना में आप इससे पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा चीज़ शॉर्ट्स में आपको सारा टॉपिक कवर है, ठीक है, लेकिन आपको डिटेल में उसको जाना पड़ेगा सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट, तो ये आपका एक बुक हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग जब इंग्लिश की बात करोगे और गाइड अदर बुक्स की बात करोगे तो एक आता है यूनिक का, ठीक है। यूनिक में आपका ये पूरा गाइड बुक है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें और डिटेल में दे रखा है सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो ये आपका हिंदी में आता है, ठीक है, हिंदी पब्लिकेशन है तो हिंदी में आता है ये, ठीक है। सो आपका ये हो गया एक बुक जो गाइड बुक है। फिर आपका आता है इसी में इसका मॉडल पेपर्स, यानी मॉक टेस्ट, तो ये आपको इसमें मॉडल पेपर्स रहता है 15-20, ये आपका आता है प्रैक्टिस के लिए, यानी लास्ट टाइम जब आपका बच जाएगा, यानी एग्जाम फॉर्म निकलने के बाद, एडमिट फॉर्म एडमिट कार्ड आने के बाद, तब आप इससे तैयारी करो, ठीक है। फिर आपका आता है एक और बुक जो कि आपका पूरा डिटेल में आता है, ये है आपका बिहार का, आपका यही उपकार का आता है आपका, ये है आपका प्रैक्टिस बुक, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चंस है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए आप कोई भी 10th लेवल का ग्रामर बुक उठा लीजिए, पढ़ लीजिए। हिंदी के लिए भी वही मैं कहूँगा, जैसे ऑक्सफोर्ड का आता है आप उससे कर सकते हो, या पैरामाउंट का आता है उससे आप कर सकते हो, ठीक है। और मैथ्स के लिए आपको 10th तक का बस चाहिए अंगणित, कोई भी बुक्स आप उठा लो जनरल कॉम्पिटिशन का, ठीक है, उसमें से अंगणित वाला पार्ट आपको करना है। तो एक एक करके आपको सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बता दूं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस,
साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी करना होगा, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करना होगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे जानते हो सबसे एक्सपर्ट इसमें साइंस में आपको अच्छे से कराया जाता है, ठीक है। तो साइंस आपको एकदम डिटेल में करना है, क्योंकि सारा आपका 11, 12th से पोर्शन से आता है आपका पैरामेडिकल में, ठीक है। लेकिन आपका जहां बात करते हैं हिंदी इंग्लिश का, वो आपका 10th लेवल यानी मैट्रिकुलेशन, लेकिन आप सिलेबस देखोगे तो जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको समझना बात है। मैथ्स भी आपका मैट्रिकुलेशन यानी आपको अंकगणित से आता है, फिर आपका जीके आपको प्रीवियस ईयर लूसेंट से कर सकते हो, हिंदी भी लूसेंट से कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका बात कर लेते हैं हम लोग, ये सब हो गया। अब प्रीवियस ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ आपको 2006 से लेके 21 तक पूरा प्रीवियस ईयर ईयर बाय ईयर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कराया जाता है हमारे पेड कोर्स में, जो कि आप लोग पीछे देख भी सकते हो। जो भी बच्चे अलग से तैयारी करना चाहते हैं, विशेष तैयारी यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पेड कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। और आपका लाइव क्लासेस आपका चलता है यूट्यूब पे, जो निःशुल्क है 7 बजे, इसमें हम लोग क्वेश्चंस आपको अच्छे से पीवीआई क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। तो वो आपका हो गया आपका क्वेश्चंस वाला, ये हो गया आपका बेसिक से पढ़ने वाला, ठीक है। इसमें आपको सारा कुछ मिलेगा प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2006 से लेकर 21 तक सारे सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन दोनों बायलैंग्वल रहेंगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपको हिंदी मीडियम में आता है, तो फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट उनके लिए नहीं रहता है इंग्लिश में, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे एडवांटेज है। फिर सारे सब्जेक्ट्स को बेसिक से पढ़ सकते हो, सारे टीचर्स आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड होंगे, आप लोग देख भी सकते हो पीछे बैनर में। सो हमारे स्टूडेंट्स का इस बार प्रदर्शन भी देख सकते हो 2021 वाले रिजल्ट्स में। सो मोटा मोटी बात यही कहना है कि आपको साइंस के लिए एनसीईआरटी, वो भी स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं, पूरे एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, जो कि आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, अलग से सिलेबस वीडियो आपका सारा सब कुछ मिलेगा आपको, उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। फिर आपका बात कर लेते हैं मैथ्स आपका 10th लेवल, हिंदी इंग्लिश 10th लेवल, ठीक है। जीके आपको पूरा अंडर द स्काई एवरीथिंग इज जीके, मतलब इसका कोई और छोड़ नहीं, कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर मजबूत रखिएगा, लूसेंट से जीके पढ़ते रहिए, ठीक है। सो ये आपका हो गया पूरा बात, ठीक है। अब लास्ट का 2-3 महीना बचा हुआ है, ज़्यादा समय है नहीं, तो आप लाइव क्लासेस से तो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि 7 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ आपका जीके, ये सब टोटल 7 सब्जेक्ट्स आपका हो जाता है, तो लाइव क्लासेस तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, क्योंकि क्लासेस आपका दिसंबर से चल रहा है, तो जितने भी क्लासेस हो चुके हैं सब आपको मिलेगा, और अभी भी क्लासेस चल रहा है, तो ये एक शॉर्ट स्पेन में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस से ही पूरा हो पाएगा सिलेबस। तो हमारे यहाँ भी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल है, जल्द ही इसको ज्वाइन करना है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद अप्रैल में आपका फीस इंक्रीज होने जा रहा है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस का यही एडवांटेज है लास्ट टाइम में कि आप जल्दी कर सकते हो अपना सिलेबस। और जितनी भी बातें जितनी भी बुक्स बताया मैंने, वो बुक्स भी आप कोई भी परचेस कर सकते हो, सब बुक्स अच्छे होते हैं, बस आपको अच्छे से उसे 2 से 3 बार कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर्स को अच्छे से 2 से 3 बार कंप्लीट करना है, अपने एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ठीक है। और हमेशा टारगेट करके चलिए कि 250 से 300+ लेके चलना है, तभी आपको बेस्ट कोर्स मिलेगा, ठीक है। और बेस्ट कोर्स का कहने का मतलब है कि आप हमेशा बेस्ट कोर्स के लिए और बेस्ट कॉलेज के लिए ही जाइए, उसके लिए हमेशा 250+ रखिए मार्क्स आउट ऑफ 450, ठीक है। और कोई भी अदर डाउट्स है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, और कोई भी और जानकारी चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है, या पेड कोर्स के लिए कोई भी अदर जानकारी चाहिएगा तो आपको वहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। सो ये वीडियो में बस मैं आपको बुक्स और आपको स्ट्रेटेजी और फॉर्म कब आने वाला था ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अब समय कम है और आपका जल्द ही एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो प्रिपरेशंस को कर लीजिए मजबूत, और मॉपअप का वेट मत कीजिए, इनकेस मॉपअप राउंड नहीं होने वाला 3rd राउंड का, मे भी ना हो, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, और आगे मैं और आपको मोटिवेशनल लेते आऊँगा, स्ट्रैटेजीज के लिए वीडियो लेते आऊँगा, तो चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको हर चीज़ का पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। बाय बाय, और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले चैनल को। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्पेरेंट्स ऑफ DCCE।